हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फॉलिकल स्टडी के ऊपर। तो मैंने फॉलिकल स्टडी के ऊपर एक और वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने अपनी फॉलिकल स्टडी की रिपोर्ट आपको शो की थी, और उसमें मेरी चार फॉलिकल स्टडी हुई थी वो रिपोर्ट मैंने पूरा आप लोगों को शो किया है और दिखाया था कि फॉलिकल स्टडी में क्या होता है। मीन्स एक्सरसाइज के बारे में बताया गया है कि उसमें एक्सरसाइज कितना एक्सरसाइज होना चाहिए, मेरा कितना था, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें शेयर की है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आई बटन पे भी देने की कोशिश करूंगी। तो आज का फॉलिकल स्टडी में मैं फॉलिकल स्टडी के बारे में डिटेल और अच्छी जानकारी दूंगी जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि एक्चुअली में फॉलिकल स्टडी क्या होती है, इसमें खर्च कितना आता है, इसको करने का प्रोसीजर क्या है, और इसके बाद क्या हम 100% प्रेग्नेंट हो जाएंगे। तो मैं बता रही हूँ आपको, ये जो भी बताऊंगी ये मैंने ओन एक्सपीरियंस जो किया है उसी के ऊपर बताऊंगी, और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दो फॉलिकल स्टडी क्या है। फॉलिकल स्टडी वो होती है जो प्रोसेस हमारे अंदर एक्स बनने की जो प्रोसेस होती है, तो एक्स बन रहा है या नहीं ये डॉक्टर जब चेक करते हैं उसको फॉलिकल स्टडी बोलते हैं। मीन्स जो ओवुलेशन डेज हमारे होते हैं, फर्टाइल पीरियड, उसमें हमारे जो फॉलिकल है उसके साइज कितने हैं, उसको जो जिस मेथड से हम जांचते हैं ना उसको बोलते हैं फॉलिकल स्टडी। अब ये दो मेथड से इसको जान सकते हैं। एक तो फॉलिकल स्टडी होती है जो बिल्कुल अल्ट्रासाउंड की तरह होती है, जस्ट डॉक्टर जेल लेते हैं और अपने जो भी अल्ट्रासाउंड का जो मशीन होता है उसके ऊपर डालते हैं या आपके पेट पे अब्डोमिनल के हिस्से पे डालेंगे और जस्ट चेक करके बता देंगे। मुश्किल से तीन से चार सेकंड लगते हैं, या किसी किसी का 2 मिनट लगता है, किसी का 5 मिनट भी लग सकता है, लेकिन मेरे टाइम में मुझे मुश्किल से 5 से 7 सेकंड लगे थे। जस्ट डॉक्टर ने चेक यहाँ पे डाला अब्डोमिनल में और जस्ट देख के बता दिया कि मेरा फॉलिकल साइज क्या है, तो इतना ही टाइम लगता है। दूसरा मेथड होता है जो मेरे ऊपर तो आजमाया नहीं गया है, बट मैं उसके बारे में जानती हूँ क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल जाती थी फॉलिकल स्टडी के लिए तो कोई दूसरी लेडी थी जिसको वैसी होती थी, तो वो होता है जस्ट लाइक जो इंटरनल अल्ट्रासाउंड होता है ना उसी टाइप से। मीन्स एक ऐसा अल्ट्रासाउंड का एक रॉड टाइप रहता है जिससे इंटरनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, सेम वही प्रोसेस है। ये प्रोसेस बहुत कम लोगों को होता है, जो वैसे लोगों को होता है जिनको ऊपर से फॉलिकल साइज उनकी सही मिल नहीं रही है या मेजर नहीं कर पा रहे हैं, वैसे फीमेल्स को इंटरनल यानी वजाइना के थ्रू वो अल्ट्रासाउंड की जो मशीन होती है उसको इंसर्ट किया जाता है एंड तब वो जो फॉलिकल साइज है उसको मापा जाता है। तो ये दो तरीके से, मेरी नॉलेज में तो दो ही तरीके से है कि इस दो तरीके से फॉलिकल स्टडी होती है। पहला वाला तरीका बहुत ज़्यादा यूज होता है, दूसरा वाला तरीका है वो बहुत कम फीमेल्स पे यूज़ होता है, मतलब 1000 में से कोई 5-6 रहती होंगी इतना ही यूज़ होता होगा, क्योंकि पहला वाला तरीका ही कामयाब होता है। अब इसमें कितना खर्च होता है ये बता देती हूँ। देखिए, मेरा फॉलिकल स्टडी हुआ था 2015 में फरीदाबाद में, तो वहाँ पे जिस हॉस्पिटल में मैंने फॉलिकल स्टडी करवाई थी वहाँ पे मेरा जो एक्सपेंसेस हुआ था वो था 800 रुपये। तो एक बार की फॉलिकल स्टडी की 800 रुपये होती है उस समय थी। अभी जहाँ तक मैंने पूछा है सेम हॉस्पिटल से तो अभी वहाँ पे 1200 रुपये है, 1200 रुपये फॉलिकल स्टडी है। और ये डिपेंड करता है आपकी सिटी के हिसाब से, आपके कुनबे के हिसाब से, आप किस कहाँ पे रहते हो। मेट्रोपॉलिटन सिटी में थोड़ा ज़्यादा दाम रहता है, थोड़ा सा छोटे शहरों में थोड़ा सा कम प्राइस होता होगा। तो ये अलग अलग जगह पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हो, फिर हॉस्पिटल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मेरे टाइम में तो 800 रुपये लगे थे, लेकिन वन टाइम का फॉलिकल स्टडी का 800 रुपये। तो अगर जो भी ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपकी फॉलिकल स्टडी हो चुकी है या हो रही है, तो प्लीज़ यहाँ पे अपनी सिटी का नाम और फॉलिकल स्टडी में कितने पैसे लगे हैं ये मेंशन कर देना, ताकि लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल पाए कि कितना इसका प्राइस है, क्योंकि हर सिटी में अलग प्राइस है। मैंने 800 दिया था, हो सकता है किसी ने 1500 भी दिया हो। अब इसके बाद क्वेश्चन है कि क्या इसे
फॉलिकल स्टडी करवाने के बाद प्रेगनेंसी 100% होती है, सॉरी मैं थोड़ा नीचे क्वेश्चन देख के बात कर रही हूँ। तो देखिए, फॉलिकल स्टडी जस्ट ये बताता है कि आपकी जो एक्स साइज है, जो फॉलिकल साइज है, वो कितनी है, कम है या ज़्यादा है। अगर आपकी फॉलिकल साइज आइडियल साइज हो चुकी है तो उसके बाद आपको डॉक्टर बताते हैं कि किन दिनों में आपको इंटरकोर्स करना है, इंटीमेट होना है, तो डॉक्टर बता देते हैं। तो इंटरकोर्स करने के बाद, मतलब इंटरकोर्स करना उसके बाद का जो भी प्रोसेस होता है वो आपकी बॉडी में होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि फॉलिकल स्टडी आपकी सही है, मीन्स आपके एग एक्टिव हुए, एग्स बड़े हुए, रैप्चर हुए और आप फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हो। तो ज़रूरी नहीं है कि फॉलिकल स्टडी आपकी सही है तो आप 100% उस महीने में कंसीव कर ही जाओगे। ये पूरी तरीके से आपकी इंटरनल बॉडी पे मैटर करता है। दूसरा मैटर करता है कि आप जो मतलब आप किस टाइम में, मतलब फर्टाइल डेज में जो आपको ओव्यूलेशन डेज है उन दिनों में इंटरमिट हुए हो या नहीं, या सही तरीके से हुए हो या नहीं। सही तरीके से होना क्या होता है कि जब आपका ओव्यूलेशन डेज चलता है उन दिनों में आप अगर इंटीमेट होते हो तो जो मेल स्पर्म है वो फीमेल एग्स से कांटेक्ट में आना चाहिए, मिलना चाहिए, तब वो फर्टिलाइज होके बेबी बनता है। ठीक है, तो जब जब तक वो प्रोसेस सही तरीके से नहीं होगा तब तक मतलब ना के बराबर ही चांस होते हैं कि आपका आप कंसीव कर पाओ। तो फॉलिकल स्टडी पूरी तरीके से 100% श्योरिटी नहीं देती है कि हाँ आप इसी महीने कंसीव कर जाओगे। लेकिन हाँ, फॉलिकल स्टडी अगर पॉजिटिव है तो आपको अपना काम पॉजिटिवली करना होगा। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम ठीक से इंटीमेट नहीं हो पाते हैं, बहुत फीमेल्स अनकंफर्टेबल हो जाती है, बहुत लोग दिमाग में ये लेके रखते हैं कि इस बार के फर्टाइल डेज में तो मैं बेबी करके ही रहूँगी, प्रेग्नेंट होके रहूँगी। ऐसा बहुत सारी फीमेल्स के दिमाग में चलता है, इवन मेरे दिमाग में भी चलता था, जिसकी वजह से मुझे मतलब एक साल तक मेरा पूरा ऐसे ही टाइम वेस्ट गया था, कुछ नहीं कर पाई थी। जबकि मेरे अंदर एक्स बनने की प्रोसेस जो होती है, जब वो सही से होती थी। अभी क्या है ना, मैं समझती हूँ कि मेरे अंदर जो मेरा फर्टाइल पीरियड होता है उन दिनों को मैं अच्छे से जानती हूँ, मेरी बॉडी में क्या क्या चेंज होता है वो भी मैं जानती हूँ। जब मेरा एग रैप्चर होता है ना, तो मुझे जो पेन होता है उससे मुझे पता चलता है कि मेरा एग रैप्चर हुआ है, तो मैं ये अभी जानती हूँ। लेकिन उस टाइम में ये सब चीज़ें नहीं जानती थी, इसलिए डॉक्टरों के पास भी पैसे खूब भरे हैं मैंने, और दिमाग से बहुत अशांत हुई हूँ। और वही चीज़ मैंने जब मैं सेकेंड टाइम कंसीव की थी तो उन दिनों में मुझे कोई फॉलिकल स्टडी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे मेरा फर्टाइल डेज पता था और मैंने उन दिनों में बिना टेंशन के ट्राई किया था और कंसीव हो गई थी। हालांकि वो बेबी अभी नहीं है, लेकिन थर्ड टाइम लड्डू के टाइम में मैंने कुछ भी नहीं सोचा था, मैंने इवन सोचना ही बंद कर दिया था कि मुझे बेबी चाहिए या होना है या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं सोचा था। आ गया बेबी, आया। आप लोगों को भी मैं यही बोलूंगी कि आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लिया करें, और ये जो दिमाग में चलते रहते हैं ना कि इसी महीने बेबी चाहिए, इसी महीने बेबी चाहिए, इस सब को ना सोचें। तो इस क्वेश्चन, इस वीडियो में मैंने क्या क्या क्वेश्चन के आंसर दिए कि फॉलिकल स्टडी क्या है, फॉलिकल स्टडी में कितना खर्च होता है, और इससे क्या 100% प्रेगनेंसी होती है, क्या ये श्योरिटी है, तो क्या है ये, तो मैंने बता दिया कि जस्ट जो हमारे अंदर एक्स साइज को मापने की जो क्रिया होती है, जो जिस प्रोसेस से एक्स साइज का मापते हैं उसको फॉलिकल स्टडी कहते हैं। कितना खर्च आता है, मेरा 800 आया था, आपके सिटी में कितना खर्च आ रहा है, आप लोगों ने अगर करवाया है तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट करना अपना सिटी और प्लस प्राइस कमेंट करना कि कितना आप लोगों को खर्चा हुआ है, ताकि दूसरे लोग भी सही से जान पाए। और तीसरा, 100% कोई श्योरिटी नहीं होती अब फॉलिकल स्टडी के बाद आप कंसीव कर जाओ। फॉलिकल स्टडी पॉजिटिव है तो उसके बाद आपको अपना काम सही करना है। फॉलिकल स्टडी जस्ट आपकी एक्सरसाइज को मेजर करती है कि हाँ ये एक्सरसाइज सही बना है, रैप्चर हुआ है, इसके बाद आपको अपना काम करना है। आई होप मैं आपको इस वीडियो के थ्रू समझा पाई हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और बहुत
मैं अपने वीडियोस में एडल्ट वर्ड का यूज़ ज़्यादा नहीं करती हूँ, जहाँ ज़रूरी है वहीं पे मुझे बोलना पड़ता है, जैसे इंटीमेट जैसे वर्ड या इंटरकोर्स, ये सब चीज़ें बोलनी पड़ती है क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत है। पर बहुत लोगों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मैं जस्ट आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि ये मेरा काम है, मेरा जॉब है और मैं इसको सही तरीके से करना चाहती हूँ, कर रही हूँ। और सॉरी, मैं किस सबको एक बार में तो खुश कर नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे वीडियो से बहुत लोगों को हेल्प मिलती है और तभी वो वीडियो देखने आते भी हैं। तो प्लीज़ जिसको जिसको लगता हो कि मैं बहुत ज़्यादा बोल्ड हूँ, बहुत ज़्यादा बोल्ड वर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो वो ऐसा ना समझे, लेकिन ये सारी चीज़ें बतानी ज़रूरी होती है। तो खैर, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबा के ऑल ऑप्शन पर क्लिक करना, ताकि मेरे सारे अपडेट्स आपको मिल पाए। और हाँ, कमेंट में ज़रूर करना अपने सिटी का नाम एंड फॉलिकल स्टडी का प्राइस ज़रूर लिखना। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।